और सैफई परिवार के एकजुट होने पर बोले आदित्य यादव। उन्होंने कहा कि परिवार के एक होने से दिखेंगे दूरगामी परिणाम, एकता उपचुनाव तक नहीं लोकसभा चुनाव में भी दिखेगी। और शिवपाल यादव के बेटे हैं, प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य। उन्होंने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये जो पारिवारिक एकता है ये केवल उपचुनाव के लिए नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जसवंत नगर विधानसभा में ब्लॉक सैफई की कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता जो मुख्यतः से हमारे बूथों पर रहते हैं उनको बुलाया गया था मार्गदर्शन के लिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर साहब जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। मैनपुरी में समाजवादी परिवार के कार्यक्रम पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैनपुरी में जीत भाजपा की होगी, उनके पास कुछ बचा नहीं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन आज मैनपुरी में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक मंच पर दिखे, हमारे साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आज पूरा यादव परिवार एक साथ दिखे। वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों लेकर जन जन में है। लाइन आर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। भाजपा ही जीतेगी, कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। शिवपाल यादव ने वहाँ मन से कहा कि बीजेपी सरकार में घूस भ्रष्टाचार और बढ़ गया। उनका इंटरनल मामला है, भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। लाइन आर्डर की लोग सराहना कर रहे हैं, बीजेपी ही जीतेगी। कह रहे हैं बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है, तो उनको अच्छी तरह पता है उनके साथ क्या हुआ। तो यह आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। कैमरा जीतन के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ। और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज अखलाकपुरा में उन्होंने नुक्कड़ सभा की, जिसके बाद भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि सरकार इनकी है, जीत गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जीत गए तो फर्क पड़ेगा, इनकी आंख खुल जाएगी। राजनीति में सत्ता आप ही लोग देते हो, जो भी कुछ ताकत मिलती है वो आपके बीच रहकर ही मिलती है। अब आपके समाज में जमीन पे कुछ और बात चल रही हो और हम लोग दिल्ली में, तो बात व्यवहारिक होने की नहीं। चौधरी चरण सिंह जी के समय से लोक दल का मायना है गांव। जितना काम उन्होंने किया और चौधरी अजीत सिंह जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया कि चुनाव के बाद व्यवहार अलग होता है, वो चकाचौंध में रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।